भारी विवादों के बीच आखिरकार द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो ही गई। हेलो, मेरा नाम है सोनू और आज हम करेंगे द केरला स्टोरी मूवी का रिव्यू। इस मूवी में आपको अदा शर्मा मुख्य भूमिका में देखने को मिलेंगे। बात करें इस मूवी के स्टोरी के बारे में, द केरला स्टोरी मूवी में चार लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनके नाम इस मूवी में शालिनी, गीतांजलि, नीमा और आसिफ है। इन चारों के इर्द गिर्द ही मूवी घूमती रहती है। यह चारों नर्सिंग स्कूल से पढ़ाई कर रही होती हैं। चारों हॉस्टल में एक ही रूम में रहती हैं। इनकी कहानी शालिनी से शुरू होती है जिसको अफगानी सुरक्षा फोर्स के आतंकवादी कर देते हैं। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा तो शायद स्पॉइलर हो जाएगा, तो आप ये आगे क्या होता है आप ये मूवी में देखते ही पता चले। इस मूवी में अदा शर्मा की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस मूवी में मुझे अदा शर्मा की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जिनको आप देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, उसको इतना रियल तरीके से दिखाया गया। इस मूवी को लेकर अभी विवाद चल रहा है, उसके बाद भी इसको रिलीज कर दिया गया तो मेकर्स में बहुत ही ज्यादा डेरिंग है। आपको बता दूं कि इस मूवी का डायरेक्शन सुदित्यो सेन ने किया है। मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 3 स्टार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में।